गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, और आज इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। इवैल्यूएट द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन व्हेन द रेट फ्लो ऑफ ए लिक्विड हैज अ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ईटा से, ईटा, क्लियर। थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ एल, मतलब जिसकी लेंथ क्या है, एल ए, एंड द रेडियस इज ए, अंडर प्रेशर हेड, मतलब डिनोटेड बाय पी, गिव अस डीवी बाय डीटी इज इक्वल्स टू पाई पी ए टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एल एन। मतलब हमें क्या करना है, ये चेक करना है, इसके वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हम देखते, तो इस तरीके के और भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें फोर्स हो सकता है, एक्सीलरेशन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, तो इनके बीच में कोई ना कोई ऐसा रिलेशन होता है जो आपको प्रूफ करना हो सकता है या वैल्यू फाइंड करना हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि सम को कैसे सॉल्व करा है। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या प्रूफ करना है हमें, डी वी अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू पाई रो ए टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एल ईटा, राइट। अब इसका एल एच एस क्या है हमारे पास, डी वी बाई डी टी, कितना है, डी वी बाई डी टी। अब वी क्या है हमारे पास, देखिए वी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का अगर हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला देखे, वेलोसिटी नहीं सॉरी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम क्यूब। तो यहाँ पे फाइनली कितना आ जाएगा, एल क्यूब, कितना आ जाएगा, एल क्यूब। तो हमने लिखा एम जीरो, एल क्यूब, टी जीरो, डी वी लिखा, डी टी टाइम कितना, एक है, तो अगेन एम जीरो, टी एल जीरो, टी माइनस वन। इन दोनों का अगर हमने कैलकुलेशन करा तो ऊपर एम की पावर जीरो, नीचे जीरो, कितना हो गया फाइनली, ये जीरो, ऊपर है 3L की पावर, नीचे है 0, कितना हो जाएगा 3, ऊपर है 0, नीचे है 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1। मतलब फाइनली इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास कितनी आई है कि m की पावर 0, l क्यूब, t की पावर माइनस 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आ गया। अब राइट साइड को भी हम लेंगे और वहाँ पे हर एक प्लेस पे हम क्या पुटअप करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। आर एच एस हमने ले लिया, कितना है, पाए पी ए टू द पावर 4 अपॉन में 8 एल एंड ईटा। पाई इज द न्यूमेरिकल नंबर काउंट होगा, पर्टिकुलर उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। पी, पी क्या है, प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम वन, एल माइनस वन, टी माइनस टू, क्लियर। ए, ए क्या है, एक्सेलरेशन, यहाँ कितना हो जाएगा, एम जीरो, एल वन, टी की पावर जीरो, और होल पावर कितना हो गया, 4। अगेन एल, लेंथ की बात कर रहे हैं, तो एम जीरो, एल वन, टी जीरो, एंड द ईटा, ईटा क्या हो जाएगा हमारे पास, एम वन, एल माइनस थ्री, एल कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस वन है, और टी की पावर माइनस वन, अगेन क्लियर। अब ऊपर दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, नीचे के भी दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, तो हम देख लेते हैं, ये है एम वन, एल माइनस वन, टी की पावर माइनस टू एज इट इज़, न्यूमरेटर पार्ट हमने एज इट इज़ रखा है, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एम जीरो, एल की पावर 4, टी की पावर 0, राइट। नीचे दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हुआ तो 0 प्लस 1, बेस से में पावर एड हो गई, 1 आ गया, फिर 1 माइनस 1, 0 आ गया, एल की पावर 0 माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1। आई होप सो नीचे के कैलकुलेशन आपको समझ में आ गए। अब ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर लेते, बेस से में पावर एड हो गई, 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 1, 1 आ गया, माइनस 1 प्लस 4, 3, ये 3 आ गया, टी माइनस 2 प्लस 0 कितना, माइनस 2, आ गया आपको समझ में, ऊपर और नीचे हो गया, ऊपर का कैलकुलेट भी हो गया। अब हम देख लेते, न्यूमरेटर ऊपर है 1, नीचे है 1, 1 माइनस 1 0 आ गया, फिर एल ए 3 माइनस 0 मतलब 3 भी आ गया, 2 माइनस माइनस 2 नीचे है 1 तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 1,
क्लियर? नहीं नहीं ऊपर है माइनस टू, नीचे माइनस माइनस प्लस वन, कितना आ गया माइनस वन, माइनस वन आ गया। अब आप इस तरीके से देखेंगे LHS और RHS आपके कैसे है, इक्वल है, मतलब ये LHS का डायमेंशनल फार्मूला और RHS का डायमेंशनल फार्मूला दोनों कैसे हो गए इक्वल। इट मीन्स कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस। मतलब इसका LHS और RHS आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। तो इस तरीके के आपकी बुक में इस चैप्टर में और भी ऐसे न्यूमेरिकल है जिसको LHS और RHS आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर एक्सेलरेशन, विस्कोसिटी, प्रेशर, इस तरीके के सिंबल यूज़ करे थे जो कि क्वेश्चन में दिए थे। इसके अलावा फोर्स भी आ सकता है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड भी आ सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, एरिया हो सकता है। तो इनके बीच में कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला होगा, हो सकता है आपको प्रूफ करने को बोले तो उसको भी आपको डायमेंशनल फार्मूले का यूज़ करते हुए LHS और RHS इक्वल ला के हैंस प्रूफ करना होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस अपनी बुक के सम सॉल्व करके भी कर सकते हो। थैंक यू।